अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू ईद ट्रीट। मैं हूँ शेफ वर्दा और ईद का दूसरा दिन आपको मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। आई होप आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी, सब इन्जॉय कर रहे होंगे, आपस में दूसरे घर जा रहे होंगे, दावतें हो रही होंगी खूब सारी और बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे। तो दावतों का सिलसिला जारी है, अभी ईद का दूसरा दिन भी बाकी है, आज की शाम पूरी बाकी है। तो मैंने सोचा आज आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त डिफरेंट रेसिपी लेके आएँ जो कि बहुत ही मज़ेदार है। आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है चिकन ताजीन। अब चिकन ताजीन क्या है, ये एक मोरक्कन रेसिपी है, मोरक्कन चिकन है वो उस तरह से बनती है। ताजीन एक मिट्टी जैसे हम हांडी में इस्तेमाल करते हैं उस तरह से उनकी एक मिट्टी का पैन होता है फ्लैट, और उसके ऊपर एक सुराही टाइप की वो होती है ढक्कन जिस पे होता है, वो बिल्कुल स्लो स्टीम में पकती है, तो इसलिए इसको चिकन ताजीन कहते हैं। और दूसरी जो रेसिपी है हमारी वो बहुत ही मज़ेदार है, वो इजिप्ट की एक बहुत ही ट्रेडिशनल और फेमस रेसिपी है जिसका नाम है उम अली। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसका नाम उम अली क्या है, क्यों है और ये उम अली क्या है, तो ये मैं बताऊंगी आपको। इसके पीछे एक बहुत डार्क हिस्ट्री है, तो ये मीठा डिज़र्ट है लेकिन इसके पीछे एक हिस्ट्री थोड़ी डार्क है। हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ क्योंकि खाना बनाते बनाते मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊंगी, सही है। तो स्टार्ट करते हैं हम चिकन ताजीन से। चिकन ताजीन के लिए मुझे चाहिए चिकन के, मैंने थाई पीसेस ले लिए हैं यहाँ पे। ये ज़्यादातर वैसे थाई पीसेस से ही बनती है क्योंकि इसमें सॉफ्ट चिकन का जो पार्ट होता है वो इस्तेमाल होता है। चिकन अगर आप ब्रेस्ट यूज़ करेंगे तो उस थोड़ा सा वो हार्ड हो जाता है। ये देखिए इस तरह के मैं चिकन के थाई पीसेस यूज़ करूँगी, मेरे पास 4 से 5 अदद हैं, आप अपने हिसाब से क्वांटिटी जो है वो बढ़ा या कम कर सकते हैं। ये देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, हम एक प्लेट ले लेंगे क्योंकि इसको मुझे मैदे में कोट करना है। यहाँ मेरे पास मैदा रखा हुआ है, मैं इसको इस प्लेट में निकाल रही हूँ और मीनवाइल आई एम गोना हीट माय पैन ताकि इसमें मैं थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी एक हल्का गोल्डन कलर देने के लिए। और मैदा हम इसलिए लगाएंगे ताकि थोड़ा सा इसमें क्रिस्प आ जाएगा, ताकि चिकन बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होगी, थोड़ा सा इसकी स्किन के ऊपर एक क्रिस्प रहेगा और एक बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाएगा। दूसरा पैन ही मैं गरम पे लगा रही हूँ अपना क्योंकि यहाँ पे मैं बनाऊँगी मसाला, सही है जी। जब तक ये हो रहा है यहाँ पे ये पैन गरम हो रहा है, मैं थोड़ा सा डालूंगी इसमें बटर। अच्छा, मोरक्कन चिकन की ख़ास बात ये है या मोरक्कन खानों की ख़ास बात ये है, ये लोग या तो ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं या फिर तमाम जितने भी खाने हैं वो बटर में बनाते हैं। बहुत कम तेल यूज़ होता है इनके यहाँ, बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए शायद ये लोग बहुत फिट और हेल्दी लाइफस्टाइल पे बिलीव करते हैं। अच्छा, ये देखिए चिकन को मैंने बिल्कुल सिंपल है, मैदे में कुछ नहीं शामिल किया है मैंने, सिर्फ इसको मैंने हल्का सा कोट करना है, ये देखिए। और बटर हमारा ऑलरेडी मेल्ट हो चुका है, मैं इसको पैन में अच्छे तरीके से फैला लूँगी और बटर की तो खुशबू ही अलग होती है। बटर में जो भी चीज़ आप बनाएंगे आप खुद डिफरेंस चेक कर लीजिएगा कि इसमें टेस्ट में कितना फ़र्क आएगा। और ये मैंने चिकन डाल दिए, चिकन के पीसेस में डाल रही हूँ उसके अंदर, ये देखिए ये मैंने सिंपल इसको कोट करा और दूसरा पीस भी गया, थर्ड, इस तरह से। इसको हम तब तक हल्का सा फ्राई करेंगे, इसको हमें पकाना नहीं है पूरा यहाँ पे, इसका बस एक अच्छा सा कलर आ जाए। और ये लास्ट पीस, ये भी गया हमारे पैन में, थोड़ी जगह बना लूँ। और ये अच्छा चूल्हा हमारा जल रहा है, तक ये हो रहा है जब तक चिकन हमारी हो रही है, मैं यहाँ पे जो है हमारी अनियंस जो हमें सौते करनी है हल्की सी वो मैं कर लेती हूँ, इसको भी मैं गरम पे लगा देती हूँ, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। अच्छा, मोरक्कन चिकन जो है ये आप मटन में भी बना सकते हैं, लैम में भी बना सकते हैं, इसको डिफरेंट वेजीज़ के साथ भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे मैं इसमें ऑलिव्स का इस्तेमाल करूँगी, जैतून जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। वैसे तो हम ऑलिव्स ब्रेकफास्ट में बहुत शौक से खाए जाते हैं सऊदीया वगैरह में या कोई भी मिडल ईस्ट कंट्री है वहाँ पर, लेकिन इसको खानों में भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, यहाँ भी मैं बटर लूँगी, स्पून ले लूँ यहाँ पर, ये मैंने बटर लिया यहाँ पर, तकरीबन 2 टेबलस्पून आप बटर लीजिए यहाँ पे, और उसके साथ मैं थोड़ा सा ऑयल शामिल करूँगी इसमें ताकि बटर हमारा जले ना। ज़रा सा ऑयल, तकरीबन 1 to 2 टेबलस्पून ऑयल जाएगा इसमें। और जब तक ये गर्म हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, मैं चिकन को जो है वो फ्लिप करूँगी। ये देखिए आप देख रहे हैं इसका कलर कितना गोल्डन सा अच्छा टेक्स्चर आ रहा है, थोड़ा सा हार्ड, ये देखिए बहुत ही मज़ेदार इसका फ्लेवर होता है। आप ये लाजमी घर पे बना के देखिएगा, बहुत ही मज़े का लगेगा। बटर हमारा मेल्ट हो चुका है, ये एक बड़े साइज़ की प्याज बहुत ही बारीक चॉप करी हुई मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, सही है क्योंकि मेरे पास चिकन के हिसाब से मैं डाल रही हूँ।
अच्छा, इसमें एक और चीज़ की जो स्पेशलिटी है जिससे इनके फ्लेवर्स इन्हेंस होते हैं, ये लोग हर चीज़ फ्रेशली चॉप इस्तेमाल करते हैं, लाइक फ्रेश गार्लिक, फ्रेश जिंजर, फ्रेशली चॉप करा हुआ पार्सलिन, तमाम मसाले जो इसमें इस्तेमाल होते हैं वो फ्रेशली चॉप्ड होते हैं। इसको हम थोड़ा सा सौते करेंगे जब तक ये ट्रांसपेरेंट पिंक टाइप का नहीं हो जाता। उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 अदद कटे बारीक चॉप गार्लिक और तकरीबन लाइक 1 टेबलस्पून के बराबर जिंजर फाइनली चॉप्ड। ये देखिए, ये हल्की सी पिंक होना शुरू हो गई है प्याज। थोड़ी सी इसको मैं और करूँ जब तक मैं यहाँ पे मैं चिकन को देख लूँ क्या हाल है चिकन का। ये देखिए, हल्का सा मैं इसको और दूँगी, देखिए जैसे ब्राउन कलर आ रहा है ना, ये देखिए इस तरह का मुझे थोड़ा सा कलर चाहिए इसका। ये देखिए गोल्डन ब्राउन सा कलर ऐसा, दोबारा से इसको फ्लिप कर रही हूँ मैं, इस तरह का कलर मुझे चाहिए जिससे इसका एक टेक्स्चर आएगा बहुत ही मज़ेदार सा जब आप इसको पकाएंगे। और बिल्कुल स्लो कुकिंग में पकती है ये, आप इसको धीमी आंच से बना के चढ़ा के छोड़ दें, ये वो वाला काम है चिकन ताजीन के, ये स्लो कुकिंग होती रहेगी और गलती रहेगी चिकन और इसके सारे जूसेस रिलीज होंगे आपस में मज़ेदार से। ये देखिए, अब इस पॉइंट पे देखें पिंक हो गई है हल्की सी हमारी प्याज जो है पकना शुरू हो गई है। अब मैं डालूंगी गार्लिक जो कि मैंने फाइनली चॉप किया हुआ है फ्रेश, अगेन जिंजर अदरक जाएगी यहाँ पे, थोड़ा सा इसको मैं भूनूंगी और चिकन मैं डायरेक्टली जो है वो इसमें डाल दूंगी। इस पॉइंट पे हमने चिकन वापस यहाँ पे ऐड कर दी, ये इधर ये देख सकते हैं आप चिकन में हल्का हल्का जो ब्राउन कलर आया है बहुत ही मज़े का देगा, इसमें क्रिस्प आएगा चिकन के अंदर। ये देखिए, इस पॉइंट पे मैं चिकन यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, ये थोड़ा सा हम इसको इसके मसाले में जो हमारे अनियन गार्लिक और जो जिंजर्स की खुशबू है उसमें थोड़ा सा हम इसको सौते करेंगे चिकन को और फिर उसके बाद इसमें हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा इसको फ्लिप करेंगे और अब जाएगा इसमें नमक, पेपरिका पाउडर, ये देखिए मज़ेदार सा, ये सही जी। चलते हैं मसालों की तरफ, मसाले डालेंगे इसमें हम, अब थोड़ा सा फ्लिप कर दिया इसको मैंने। अब इसमें जाएगा सबसे पहले नमक, 1 टीस्पून नमक जाएगा इसमें या फिर हसबे जायका आप ले लीजिए अपने हिसाब से। पेपरिका पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून, कयान पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून। अच्छा, पिसी हुई लाल मिर्च नहीं जाएगी क्योंकि ये मोरक्कन चिकन है तो ये मिर्चों का इस्तेमाल कम होते हैं, बहुत माइल्ड फ्लेवर पे होती है ये, बहुत तेज़ मिर्चें नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बहुत मसालेदार चीज़ें पसंद करते हैं तो ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इस पर कुटी हुई लाल मिर्च डालिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ तो मैं यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ तकरीबन 1 1.5 टीस्पून। और उसके बाद इसमें जाएगा क्यूमन पाउडर 1/2 टीस्पून, जीरे का पाउडर जिसे हम कहते हैं, ये गया। काली मिर्च जाएगी इसमें 1 टीस्पून और लेमन जूस जाएगा इसमें, इसको मैं थोड़ा चला रही हूँ। ओके, वाओ, लुक एट द कलर। अच्छा, अगर हमें इसमें चिकन स्टॉक का इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर इस पॉइंट पे आपको लग रहा है कि आपकी प्याज जल रही है तो इसमें हम चिकन स्टॉक डालेंगे थोड़ा सा। चिकन स्टॉक का इस्तेमाल मुझे तकरीबन 1 कप चाहिए, लेकिन मैं अभी 1/2 कप इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे ताकि हमारा मसाला जले ना, सही है। अच्छा, मैं लेमन जूस डाल रही हूँ यहाँ पे और हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून, लेमन जूस जाएगा 2 टेबलस्पून, ये पूरा 2 टेबलस्पून लेमन जूस है मैंने डाल दिया। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए चिकन स्टॉक डालने के बाद, मैं आपको बता रही हूँ कि ब्रेक का टाइम हो गया है, मसाले थोड़े से भुन जाएंगे, 1-2 मिनट तक इसको मैं चलाऊंगी और उसके बाद थोड़ा चिकन स्टॉक डाल के इसको मैं ढक के स्लो कुकिंग के लिए पकने के लिए रख दूंगी, सही है। ये प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे मैं आपको बताऊंगी ब्रेक के बाद। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जाइएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू ईट ट्रीट्स आफ्टर द ब्रेक। यहाँ बन रहा है चिकन ताजीन और उम अली की मैंने थोड़ी सी तैयारी शुरू कर दी है, मैंने दूध जो है वो बॉयल करने के लिए रख दिया था, दूध ऑलरेडी बॉयल हो चुका है, मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, अभी आपके सामने डालूंगी। अच्छा, यहाँ पे चिकन ताजीन बन रहा है, मैं आपको खोल के दिखा दूँ। देखिए, मैंने इसको बहुत ही स्लो फ्लेम के ऊपर छोड़ा हुआ है ताकि ये थोड़ा सा बन जाए, इस तरीके से थोड़ा गाढ़ा सी ग्रेवी चाहिए होती है हमें। ये देखिए, अभी थोड़ा सा और पानी इसका खुश्क हो जाए, मैंने इसमें 1/2 कप चिकन स्टॉक डाला था और बाकी मसाले आपके सामने डाल दिए थे मैंने, थोड़ा सा इसको और गाढ़ा होने देंगे हम, बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे इसका।
हमारे पास तजीन अवेलेबल नहीं है तो इस वजह से इसको मैं सॉस पैन में बना रही हूँ, लेकिन बिल्कुल आपने इसको स्लो फ्लेम पे बनाना है। सही है जी। अच्छा, यहाँ पे हमारा दूध ऑलरेडी बॉईल हो चुका था, मैंने चूल्हा हल्का कर दिया था। अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क जाएगा इसमें। मैं आपके सामने इसलिए डाल रही हूँ ताकि आपको पता चले कि मैंने इसमें क्या क्या डाला है। 1 कप कंडेंस मिल्क गया इसमें और इसको आपने अच्छे तरीके से स्टिर कर लेना है। ये देखिए, सही है जी। अच्छा, अवन जो है मैंने प्री हीट के लिए रख दी है क्योंकि इसको हम 5 से 6 मिनट के लिए अवन में रखेंगे ऊपर से बॉईल करने के लिए, कि हमें ऊपर से अच्छा सा कलर देना होगा। सही है जी। दूध हमारा ऑलरेडी बॉईल हो चुका है, यहाँ पे कंडेंस मिल्क डिजॉल्व हो गया है। इसको अच्छे तरीके से विस्क कर लें कि जो कंडेंस मिल्क है वो उसमें डिजॉल्व हो जाए आपस में। ये डन ऑलमोस्ट। अच्छा, इसको हम बनाएंगे कैसे ओम अली को? ओम अली बेसिकली इजिप्ट की ट्रेडिशनल एक डिजर्ट है। अब ये क्यों है, मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि इसके पीछे एक बहुत ही डार्क हिस्ट्री है। डार्क हिस्ट्री ये है कि वैसे तो ये है मीठा, लेकिन ये बना तब था कि जब वहाँ के एक बादशाह थे, जो सुल्तान थे वहाँ के, जिनका नाम था शजरुल दौर, वो जो थे वो बहुत ही क्रूयल किस्म के थे, बहुत ही ख़तरनाक थे, उनको लोग पसंद नहीं करते थे। तो जब वो उनकी डेथ हुई थी तो उस पर जो एक सुल्ताना थी वहाँ की, दूसरे एक इजिप्ट की जो सुल्ताना थी, उनका नाम वो अली, उनका नाम था उम्मे अली, यानी कि अली की माँ। उस ज़माने में जो है वो डायरेक्टली सुल्तानाओं के नाम नहीं लिए जाते थे, वो बेटों के नाम से कॉल किए जाता था, जैसे कि उम्मे खालिद, खालिद की माँ, या सो एंड सो ना। तो उस तरह से वो अली की माँ थी, उम अली। तो जब उनको ख़बर मिली कि उनकी डेथ हो गई है, तो उन्होंने अपने शेफ्स को कहा कि आज बड़ा खुशी का दिन है, आप जाओ कोई बहुत ही मज़ेदार सा डिज़र्ट और बहुत डिफरेंट और बहुत यूनिक अच्छा सा डिज़र्ट बनाओ। तो उनके शेफ ने ये डिज़र्ट बनाया जो उन्होंने सब इजिप्ट में सब जगह तकसीम करवाया, सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ गोल्ड कॉइन के साथ। आप खुशी का लेवल चेक करें। तो उस दिन से इस डिज़र्ट का नाम पड़ गया उम अली, इसलिए। और इसके पीछे की हिस्ट्री मैं बता चुकी हूँ आपको कि इसकी हिस्ट्री क्या थी। तो उसके बाद से इतना फेमस हो गया डिज़र्ट कि ये इजिप्ट में इतना फेमस है कि कोई वेडिंग हो, किसी की कोई न्यू बॉर्न बेबी हो, या कोई ओकेजन हो, ईद हो, रमज़ान हो, ये डिज़र्ट लाजमी बनता है इसके साथ। और दूसरे डिज़र्ट्स भी होते हैं लेकिन उम अली लाजमी होता है। अच्छा, ये बनता बेसिकली जो इसकी ओरिजिनल जो रेसिपी है, जो ओरिजिनेटेड है इजिप्ट से, वो बनता है पफ पेस्ट्रीज से। पफ पेस्ट्रीज को आप 10 मिनट के लिए जो है वो अवन में बेक कर लें, उसके बाद दूध बॉईल करके डालें। लेकिन मैं यहाँ पे बाकरखानी का इस्तेमाल कर रही हूँ कि ऑलरेडी पफ पेस्ट्री टाइप होता है, हमारे पास ईजीली अवेलेबल है, और इसे बहुत सॉफ्ट अच्छा फ्लेवर आता है। दूध गर्म हुआ हुआ है यहाँ पर, बाकरखानी मैंने यहाँ पर डिश में निकाल दी है, और मैं ऊपर से दूध डाल रही हूँ, गरम गरम दूध डाल रही हूँ ताकि बाकरखानी जो है वो बहुत सॉफ्ट हो जाए। सही, मैंने पूरा दूध डाल दिया इसमें। 2 कप दूध था मेरे पास यहाँ पे, उससे मैंने 1 कप कंडेंस मिल्क डाला, और मेरे पास जो ये 1 अदद बाकरखानी रह गई है छोटी सी, वो भी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। सही है। उसके बाद अब हम इसको थोड़ा सा डिप करेंगे, और ये दूध गर्म है हमारा। इसमें अच्छा मैंने 1 चुटकी यानी कि तकरीबन 1/4 टीस्पून की इलायची पाउडर भी डाला था। यहाँ पे हम डालेंगे बहुत सारे नट्स, ड्राई फ्रूट्स डालते हैं बहुत सारे इसके अंदर, तो ये ड्राई फ्रूट्स डालेंगे आप इसमें। बादाम मेरे पास चॉप्ड हैं, ये डालूंगी मैं यहाँ पे, ये देखिए। अच्छा, तजीन ऑलरेडी मेरे ख्याल से हमारी जो है वो होना स्टार्ट हो गई है। पहले मैं ये कम्प्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं इस पर आती हूँ। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे बादाम डाले, अब पिस्ते डालूंगी मैं, थोड़े से पिस्ते डाले हमने। सेसमे सीड्स जाएंगे, सेसमे सीड्स डाल दिए। डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर जाएगा, यानी कि ड्राई खोपरा जो होता है वो जाएगा। सही, और ऊपर से थोड़ी सी क्रीम, हम इसमें कोई भी क्रीम आप ले लीजिए जो नॉर्मल पैक्स में होती है अवेलेबल, वो क्रीम ले लीजिए आप, वो डाल दीजिए इसके अंदर ऊपर, क्योंकि क्रीम अगर आप ऊपर इसमें डालेंगे तो थोड़ा सा उसका एक रिच फ्लेवर आएगा। ऑलरेडी हमने कंडेंस मिल्क यूज़ किया, गाढ़ा तो हो जाएगा, लेकिन हम ऊपर से भी डालेंगे। ये देखिए, थोड़ी सी मैं इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ ऊपर क्रीम, बहुत ही मज़े का फ्लेवर देता है ये, आप लाजिम बना के देखिएगा, इतना मज़े का लगेगा ये डिज़र्ट आपको। अच्छा, दूसरी बात है, सारी जो रेसिपीज़ हैं बहुत इजी हैं, लाइक आपको ज़्यादा देर किचन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई गेस्ट आपके घर पर आता है तो आपको ये टेंशन नहीं है कि आप हर वक्त किचन में ही खड़े रहेंगे, आप ईज़िली रेसिपीज़ बना के फ्रिज में रखें और सर्व करें। अच्छा, ओम अली जो है ये गर्म गर्म भी सर्व होता है, और इसको ठंडा करके भी आप सर्व कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। इन द एंड मैं थोड़ा सा, यहाँ पे रेजन्स हैं हमारे पास, रेजन्स डालूंगी मैं यहाँ पे। रेजन्स डाल दी मैंने यहाँ पे, ये आ गए।
थोड़ा सा, इट्स एन ऑप्शनल, मैं इलायची को तोड़ के उसके दाने थोड़ा सा खुशबू के लिए यहाँ पे डाल रही हूँ। इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल, अगर आपको अच्छा लगता है आप डालिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप नहीं डालिए, कि आपने पहले ही जो है दूध में इलायची के दाने डाल चुके हैं जो कि हमने निकाल के डिस्कार्ड भी कर लिए बाद में। सही है। अच्छा, ये हमारा डिज़र्ट हो गया तैयार। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए रखूँगी, 5 से 6 मिनट के लिए अवन में, ताकि ऊपर से अच्छा सा इसका एक कलर आ जाएगा, थोड़ा सा ये बॉयल हो जाएगा और बहुत ही मज़े का कलर देगा। डिश साफ़ कर दूँ और इसको हम डालेंगे अवन में। डन, टाइम हम नोट कर लेंगे, 5 से 6 मिनट के लिए इसको हम रखेंगे अवन में। और यहाँ पे चिकन तजीन जो है हमारी स्लोली कुकिंग हो रही है, हमने इसको छोड़ा हुआ स्लो स्लो पकने के लिए, जैसे कि पकती है। इस पर हम डालेंगे ऑलिव्स और क्रीम डालेंगे, लेकिन ये प्रोसेस मैं करूँगी आपके सामने। इस वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, जाते हैं ब्रेक की तरफ और फिर वापस आके आपके सामने प्रोसेस करेंगे। एक बार फिर से आप सबको ईद मुबारक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और बन रही है चिकन तजीन और उम अली जो है वो ऑलरेडी अवन में है। अब यहाँ पे मैं डालूंगी, इस पॉइंट पे आप देखिए मसाला, थोड़ा सा मेरा ग्रेवी जो है उसकी गाढ़ी हो गई है, ये देखिए। अब इस पर मैं डालूंगी यहाँ पे ऑलिव्स और क्रीम। सबसे पहले मैं डालूंगी क्रीम यहाँ पे, तकरीबन 2 टेबलस्पून क्रीम है मेरे पास यहाँ पे, ये जाएगी 1.5 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, वो जाएगी यहाँ पे। और उसके साथ ही हम डालेंगे थोड़े से ऑलिव्स, मैं यहाँ पे हाफ ऑलिव्स डालूंगी, बाकी जो है ऑलिव्स मैं थोड़े से बचा लूँगी गार्निशिंग के लिए। अच्छा, ऑलिव्स में ऑलरेडी नमक होता है, जब आप इस डिश में नमक डालेंगे तो आपने इसका ख्याल रखना है कि नमक थोड़ा ज़्यादा ना हो। अगर आप ज़्यादा ऑलिव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तकरीबन 1/2 टीस्पून आप नमक डाल दीजिए, क्योंकि हमने चिकन स्टॉक का इस्तेमाल किया है इसमें, उसमें भी नमक होता है। और ऑलिव्स भी जो हैं वो जब सालन में पकेंगे तो जो है अपना उनका सॉल्टिश जो फ्लेवर होता है वो रिलीज़ होगा। और मीन वाइल हम जाएंगे उम अली की तरफ, देखते हैं वो हमारा अच्छा सा ऊपर से कलर आ जाएगा, ब्रॉयल हो जाएगा वो, फिर उसके बाद हम उसको भी निकाल लेते हैं। इसको मैं चला लेती हूँ यहाँ पर। अच्छा, क्योंकि देखिए अभी ज़रा सा मैं इसको पकाऊंगी, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं पकाना है हमने। इस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे मक्खन और शामिल करूँगी, क्योंकि मैंने आपसे स्टार्ट में ही कहा था ये मक्खन में ही बनी है, ताकि इसकी खुशबू एक बहुत अच्छी सी आ जाएगी। ये देखिए यहाँ मक्खन जाएगा और मैं इसको फिर ढक दूँगी जस्ट फॉर अबाउट 1 to 2 मिनट्स, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। और उम अली देखते हैं कि वो कहाँ तक हमारा डिश पहुँची है। चले, यम्मी, मज़ेदार खुशबू आई है अवन खोलते ही। चलें जी, इसमें लहराने रहे, इसको निकालते हैं हम। ये देखिए यम्मी, टडा, हमारा उम अली जो है वो रेडी है। आप देखिए कितना सेटल हो गया है, मैं आपको एक जस्ट स्पून से दिखाऊं थोड़ा सा। ये देखें, ये देखिए हमने क्रीम डाली थी, और देखिए ये जो बाका खानी हमने डाली थी कितनी सॉफ्ट हो गई है, ये देखें बहुत ही मज़ेदार। इसको थोड़ा सा मैं और गार्निश करूंगी, जब तक चल के देखिए आप रेसिपी का रीकैप। चिकन टजीन, अच्छा, चिकन थाइस 4 से 5 अदद, प्याज 1 अदद, लहसुन 4 से 5 चवे, अदरक आधा खाने का चमचा, मैदा आधा कप, नमक हसबे जायका, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, जीरा पाउडर आधा चाय का चमचा, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चमचा, कैन पेपर 1 चाय का चमचा, उठी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे, चिकन स्टॉक आधा कप, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, हरे जैतून 1/4 कप, क्रीम 2 से 3 खाने के चमचे, पार्सले हसबे जरूरत, जाफरान 1/4 चाय का चमचा। तरकीब, एक पैन में तेल और मक्खन गर्म करके प्याज और अदरक लहसुन डालकर भून लें, फिर चिकन को मैदे से कोट करें और अलग पैन में 2 खाने के चमचे मक्खन शामिल करके दोनों तरफ से फ्राई कर लें। उसके बाद चिकन को प्याज के साथ डालें, फिर नमक, काली मिर्च, पेपरिका पाउडर, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। आखिर में क्रीम, जाफरान और हरे जैतून डालकर 2 से 3 मिनट पकाएं और गर्म चावल के साथ सर्व करें। सर्विंग के लिए 1 कप उबले चावल चिकन टजीन के साथ सर्व करें। उम अली, अज्जा, दूध 3 कप, इलायची 5 से 6 अदद, क्रीम 200 मिलीलीटर, कंडेंस मिल्क 1 कप, इलायची पाउडर 1 चाय का चमचा, किशमिश 2 से 3 खाने के चमचे, पिसे बादाम 2 से 3 अदद, पिसे पिस्ते 2 खाने के चमचे, तिल 1.5 चाय का चमचा, पिसा नारियल 2 खाने के चमचे, बाकर खानी 6 से 7 अदद। तरकीब, दूध को उबालकर कंडेंस मिल्क, इलायची, दालचीनी, आधे बादाम और किशमिश डालकर इतना पकाएं कि 2 से 2.5 कप रह जाए, फिर चूल्हा बंद करके 200 मिलीलीटर क्रीम शामिल करके फेंटें।
अब बेकिंग डिश में बाकर खानी रखें और ऊपर से ड्राई फ्रूट शामिल करें। इसमें दूध का मिक्सचर डालकर क्रीम फैलाएं। उसके बाद ओवन में 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 से 12 मिनट बेक कर लें। आखिर में 6 से 8 मिनट मजीद बेक करें, यहाँ तक कि रंग लाइट ब्राउन हो जाए, फिर निकाल कर गर्म गर्म सर्व करें। जी जनाब, वेलकम बैक। आपने रिकैप रेसिपी देख ली होगी, आपके सामने जो है वो सर्विंग रेडी है। चिकन ताजीन यहाँ पे रेडी है, उम अली रेडी है। चिकन ताजीन देखिए, मैंने आपको दिखाया, इसके अंदर वैसे थिक ग्रेवी होती है इसकी, और चिकन का थाई पीस होता है जो कि ऑलिव्स के साथ सर्व किया जाता है। बहुत ही यम्मी टेस्टी होता है। मैंने अभी खा के देखा, मुँह में पानी आ गया। आप लोग भी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। लेकिन यहाँ पे अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, हम कल फिर मिलेंगे आपसे इसी टाइम पे एक और नई और डिफरेंट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ईद ट्रीट्स। दुआ में याद रखिएगा।